तो हे गाइस, दिस इज योर बॉय अमन तत्रवाल और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में। तो ये नाम सुनते ही पहली चीज जो दिमाग में आती है वो ये कि भैया क्या इस फील्ड के अंदर स्कोप है, क्या मेरा भविष्य सुरक्षित है यहाँ पे। तो आज की वीडियो में यार हम डिस्कस करेंगे पहले कुछ बेसिक चीजों के बारे में कि भैया ये ड्यूरेशन क्या होती है, इसकी फीस कितनी लगेगी, ठीक है, आपको क्या क्या चीजें पढ़ाई जाएंगी इसके अंदर, कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम है। और उसके बाद में सेकेंड पार्ट में इसी वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ऐसे 50 करियर ऑप्शंस जो कि आप बीएससी एग्रीकल्चर के बाद कर सकते हो, ठीक है, स्कोप हर जगह है। और जितने भी नए व्यूअर्स हैं यार उन सबको मैं बता दूं कि बीएससी फिजिक्स, बीएससी केमिस्ट्री और बीएससी मैथ्स, बीसीए और एमबीए, इन सबके ऊपर इसी पैटर्न पे वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं, तो अगर डाउट हो तो उन्हें जाके देख सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। आज का वीडियो शुरू करते हुए यार, तो बीएससी एग्रीकल्चर आपकी 4 साल की होती है, यूजुअली बीएससी आपकी 3 की होती है, पर एग्रीकल्चर यहाँ पे स्पेशल है। इसके अंदर आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है वो भी इन्वॉल्व होती है। अगर हम फीस की बात करें यार तो डिपेंड करता है आप सरकारी कॉलेज से कर रहे हो या प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हो। सरकारी कॉलेज में लगभग आपकी 50,000 से 1.5 लाख फीस होती है और प्राइवेट कॉलेजेस में आपकी 2 लाख से 4.5 लाख के बीच में फीस होती है, पूरी ग्रेजुएशन की है, पर ईयर नहीं है। अगर हम एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करें तो एंट्रेंस से पहले एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें यार, तो आपका 12th में साइंस होना जरूरी है, चाहे आप पीसीएम स्टूडेंट हो या चाहे आप पीसीबी स्टूडेंट हो, दोनों के दोनों बच्चे एप्लीकेबल हैं। अब अगर हम एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करें तो यार सारे कॉलेजेस के इंडिविजुअल टेस्ट होते हैं। कुछ फेमस अगर आपको नाम बताऊं तो आपका ICAR हो गया, आपका PAU हो गया, आपका KEAM हो गया, ठीक है, इस तरह के काफी सारे एंट्रेंस टेस्ट हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा जिसके अंदर सारे के सारे एग्जाम्स होंगे और उनकी एप्लीकेशन डेट क्या है वो सारी चीजें मेंशन होंगी, आप जाके देख सकते हो। अब हम बात करेंगे कि आपको बीएससी एग्रीकल्चर में पढ़ाया क्या जाएगा, करिकुलम क्या होगा। तो बीएससी इस वर्ड को तोड़ो यार, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, सॉयल के बारे में, लैंड के बारे में, रूबी और खरीफ क्रॉप्स के बारे में, ठीक है, आपके वाटर रिसोर्सेज क्या होते हैं, आपके मॉडर्न इक्विपमेंट्स एंड मशीनरीज के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, आपको क्रॉप डिजीजेस क्या क्या हैं उनके बारे में पढ़ाया जाएगा, एग्रीकल्चर मार्केट, एग्रीकल्चर इकोनॉमी, थोड़ा सा यार आपका बेसिक्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी भी होगा, वो इंजीनियरिंग वाला पार्ट, फूड प्रिजर्वेशन वगैरह, ठीक है, वीड्स वगैरह से कैसे प्रोटेक्शन कर सकते हैं, उनका रिमूवल कैसे करना है, पॉइंट समझ गया। तो अब हम यार करियर ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले एक चीज डिस्कस करना चाहता हूं यार कि जब भी बच्चे डाउट पूछते हैं कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पे लाइव जब होता हूं मैं, तो बच्चे पूछते थे इस बीएससी एग्रीकल्चर में स्कोप है क्या, फ्यूचर के लिए सही रहेगी क्या, या फिर ये एक्स वाई चीज जेड चीज सही रहेगी क्या। तो यार स्कोप हर चीज की है, मार्केट में डिमांड हर चीज की है, ठीक है, एग्रीकल्चर की तो है ही, झाड़ू वाले की भी है, इंजीनियर की भी है, ठीक है, ग्राफिक डिजाइनर की भी है, फ्रंट एंड डेवलपर की भी है, सभी लोगों की है। क्वेश्चन ये होता है कि आप उस पर्टिकुलर फील्ड में कितने अच्छे हो, ठीक है, और ये तो अभी हम यार पढ़ाई वढ़ाई की बात कर रहे हैं। मान लो आपका बीएससी एग्रीकल्चर भी अच्छा नहीं हुआ, मान लो उसके बाद में आपने कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिया वो भी क्लियर नहीं हुआ, मान लो आप यहाँ पे जितनी भी चीज दे रहा हूँ कोई भी चीज वर्कआउट नहीं करती, पर उसके बाद भी यार लाइफ में है ना बहुत सारी चीजें होती हैं, और ये कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं है, ये बस फैक्ट है, अपने चारों सराउंडिंग में यूं घूम के देख लो, ठीक है, कुछ अमीरों को पकड़ो जो आपकी नजरों में अमीर हैं और देखो कि क्या उन्होंने अपनी लाइफ में इनमें से कुछ किया था, क्या वो अपनी लाइफ में बीटेक भी उन्होंने की थी, क्या उनके 12वीं में भी अच्छे नंबर थे, तो आपको एक रियलिटी पता चलेगी कि हाँ यार ये लाइफ के सारे पार्ट हैं। पर काफी लोग हैं जिन्होंने 30 साल की उम्र में भी बहुत कुछ किया, 40 साल की उम्र में उन्होंने सक्सेस पाई, तो कभी गिव अप मत करो, ठीक है, एक मस्त एटीट्यूड के साथ चलो और नई चीजें जो एक्सप्लोर करते रहो, और कोई चीज पसंद आ जाती है तो उसको छोड़ो मत, ठीक है, शुरुआत करें। तो अब यार करियर ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आएगा आपका कैंपस प्लेसमेंट। अब ये यार सिर्फ उन्हीं कॉलेजेस के लिए एप्लीकेबल है जो अच्छे हैं, अगर आपका कॉलेज उतना अच्छा नहीं है तो कंपनीज आपके कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए नहीं आएंगी, ठीक है। भैया ये प्लेसमेंट कहाँ तक रेंज क्या होती है, यूजुअली यार 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में आपको पैकेज मिलेगा इस डिग्री में, और देखो यार फिर इससे ऊपर बच्चे पर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे एक छोटी सी स्टोरी बताओ कि एग्रीकल्चर की एक लड़की ने 1 करोड़ का पैकेज भी ग्रैब किया था, ठीक है, ऑल दो उसने एग्रीकल्चर के फील्ड में नहीं किया था, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में बैठी थी किसी और फील्ड में, पर सारी चीजें पॉसिबल है, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये जॉब्स आपकी जनरली होंगी कहाँ पर, बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में हो सकती है, ठीक है, वहां पे ये सारी आपकी जॉब प्रोफाइल्स है, आप एज अ फील्ड ऑफिसर भी जा सकते हो, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर भी जा सकते हो, और ये भी आपकी फील्ड हो गई। आप जर्नलिज्म के अंदर जा सकते हो, भैया जर्नलिज्म न्यूज़पेपर में पढ़े नहीं है, इतने सारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड आर्टिकल्स आते हैं, कुछ तो मैगजीन्स ही होती हैं प्रॉपरली एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड किसानों के लिए,
तो वहां पे आपको जॉब मिल सकती है। अब जो नेक्स्ट चीज है यार, उसे थोड़ा ध्यान से सुनना, वो है आपकी MBA/PGDM। भैया MBA तो सुना है, PGDM क्या होता है? ये होता है आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। भैया इन दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है? नहीं नहीं यार, 19-20 का फर्क है, वो भी डेफिनेशन में, प्रैक्टिकली कोई फर्क नहीं है। या आपका 2 से 3 साल का हो सकता है, या आपका 1 से 2 साल का ही होता है। ये थोड़ा रिजिड स्ट्रक्चर होता है इसका करिकुलम, इसलिए थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, एक यूनिवर्सिटी के लिए एक कॉलेजेस यूज कर सकते हैं। पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है यार, लोग सोचते हैं कि यार हम BSc के बाद MBA कर लेंगे तो लाइफ सेट हो जाएगी। हाँ बात सच है, पर कंडीशन अप्लाइड कि कॉलेज अच्छा होना चाहिए। आपका अंडर ग्रेजुएशन के दौरान एक अच्छा कॉलेज नहीं है, कोई बात नहीं, पर जो आपकी लास्ट डिग्री होती है, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन है या PhD है, वो आपकी एक अच्छी कॉलेज से होनी चाहिए। जैसे आपका कॉलेज में आके कोई स्कूल नहीं पूछता, वैसे ही पोस्ट ग्रेजुएशन में आपकी कोई अंडर ग्रेजुएशन नहीं पूछता। और MBA एक अच्छे कॉलेज से करना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे एक चीज और बता दूं यार, MBA के लिए आपका सिर्फ CAT का एग्जाम नहीं होता, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं जिनको मैंने डिटेल में डिस्कस कर रखा है एक दूसरे वीडियो में। MBA की भी एक सीरीज है जिसमें 4 से 5 वीडियोस मैंने निकाले हैं, स्कॉलरशिप कौन कौन से निकलती हैं, बेस्ट कॉलेजेस कौन कौन से हैं, एग्जाम कहाँ कहाँ से देख सकते हो, ऑनलाइन पढ़ना चाहिए या ऑफलाइन पढ़ना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा रिसर्च कर लेना, वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं। अब अगर आपका यहाँ पे जॉब मिल जाती है तो आपको जस्ट एक आइडिया देने के लिए मैं बता रहा हूँ, IIMs के अंदर जो एवरेज पैकेज है ना यार, वो 18 से 22 लाख का है, ठीक है, लालच जरूरी है ना। यहाँ पे आपकी फीस लगती है लगभग 25 लाख के करीब। भैया 25 लाख तो बहुत ज्यादा फीस होती है, मैं नहीं दे पाऊंगा, ठीक है, तो बहुत अच्छे कॉलेजेस भी हैं जैसे FMS, यहाँ पे यार आपकी फीस बहुत ही कम है, 1 लाख रुपए से भी कम, आई गेस 50,000 कुछ है, मेरे एग्जैक्ट याद नहीं आ रही। और यहाँ का भी एवरेज पैकेज आई गेस 18 से 20 लाख के करीब है। सिमिलरली आपकी एक्सेलराइज, इनका भी बहुत अच्छा पैकेज होता है, सिम्बायोसिस है, ठीक है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं। तो अगर आपको इंडिया के टॉप के 30-40 MBA कॉलेजेस में हो जाता है तो सेट हो, समझ रहे हो। नेक्स्ट है यार आपके एवरग्रीन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, जैसे कि UPSC एग्जाम, SSC एग्जाम, बैंकिंग एग्जाम, डिफेंस, ये कोई भी बच्चा दे सकता है। फिर कुछ एक्सक्लूसिव एग्जाम्स भी हैं इन डिग्री के लिए, जो कि ये हैं, IBPS A हो गया, FCI हो गया, AIC हो गया, ठीक है, आप इनमें भी बैठ सकते हो। यार ये आपकी एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप आराम से एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, आप अपनी डेयरी खोल सकते हो, आप मुर्गा फार्म खोल सकते हो। भैया रुको, इतना मैंने इसलिए नहीं पढ़ा है जिससे कि मैं कल को डेयरी या फिर मुर्गा फार्म कर लूं। सुनो यार, नाम से फर्क नहीं पड़ता, दाम से फर्क पड़ता है। हमारी इंडिया में इतनी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, सबको दूध चाहिए, सबको अंडे चाहिए, सबको चिकन चाहिए, तो काफी प्रॉमिसिंग मार्केट है। और अगर आप इसे मास स्केल पे करते हो, एक बड़ी स्केल पे करते हो, तो काफी भारी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट यार आपकी स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर ये सारी जॉब प्रोफाइल्स हैं, ADO, AEO, RFO। सिमिलरली यार सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर भी आपकी जॉब प्रोफाइल्स हैं। जो नेक्स्ट है यार वो है आपकी MCA। MCA इस BSc एग्रीकल्चर से थोड़ी हटके फील्ड है, ये स्टैंड करती है आपकी मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए। और इसकी एलिजिबिलिटी होती है कि आपकी 12वीं में साइंस हो विद मैथमेटिक्स, या फिर अगर आपने BCom इन IT कर रखा है या BCom इन कंप्यूटर साइंस कर रखा है। साइंस वालों का मैथ्स होना जरूरी है, ठीक है, कुछ एक्सेप्शन कॉलेज होते हैं जहाँ पे मैथ्स रिक्वायर्ड नहीं होता, पर यूजुअली मैथ्स रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो इसके अंदर यार आपका NIMCET का एग्जाम होता है, आप BHU में जा सकते हो, आप JNU में जा सकते हो, NIMCET के थ्रू आप किसी भी NIT के अंदर एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर रखी है MCA के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाया है उसके अंदर। साथ में यार आप टीचिंग में भी आ सकते हो, या तो आप प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हो या फिर आप BEd के थ्रू भी जा सकते हो। अब जिनको प्रोफेसर बनना है यार, फिर आपको MSc वाले रास्ते में जाना पड़ेगा। काफी बच्चे पूछते हैं कि MSc करें या फिर आपका MBA करें, तो यार डिपेंड करता है, ठीक है, कि आपको पैसे से ज्यादा फर्क पड़ता है, आप कल को एक अच्छी फर्म में काम करना चाहते हो या फिर कल को आपको प्रोफेसर बनना है, रिसर्च के अंदर जाना है। अगर रिसर्च और प्रोफेसर आपकी चॉइस है तब तो यार आप MSc एग्रीकल्चर करो, फिर कल को PhD करो, ठीक है। अगर वो नहीं है तो आप सीधा MBA कर सकते हो या MBA इन एग्री बिजनेस कर सकते हो। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो आई होप यार आप सबके डाउट क्लियर हो गए हो। अगर डाउट नहीं हुए थे तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और इंस्टाग्राम पे यार लाइव आता हूं मैं, तो वहां पे आप 1-to-1 डाउट पूछ सकते हो। तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे, सब्सक्राइब कर देना, एंड बाय बाय।